माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। अब बारी है अतीक के उन करीबियों की जिन्होंने हर बुरे काम में उसका साथ दिया। योगी की धाकड़ पुलिस ने ऐसे सभी लोगों पर आंखें तरेड़ी हुई हैं और जल्द ही इन सब का हिसाब होगा। दूसरी तरफ अब जब सजा पाकर अतीक गुजरात की साबरमती जेल वापस पहुंच चुका है तो ऐसे में बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर अतीक जेल में अपना वक्त कैसे काटेगा, उसे क्या काम करना होगा, उसे कितनी दिहाड़ी मिलेगी। आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जा रही हैं। दरअसल खबर ये मिल रही है कि कैदी नंबर 17052 यानी अतीक अहमद को जेल में कई तरह के काम करने होंगे जिसके बदले उसे 25 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। ये सारा पैसा अतीक के अकाउंट में भेजा जाएगा जिसे हाल ही में जेल प्रशासन ने खुलवाया है। गुजरात की साबरमती जेल में अतीक को झाड़ू लगाने का काम सौंपा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अतीक को जेल में मौजूद भैंसों को नहलाना होगा, उन्हें चारा खिलाना होगा, इसके अलावा उसे खेती भी करनी होगी। इन सब के बदले अतीक को 25 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। अगर अतीक अपने काम में कुशल हो जाता है तो फिर उसकी दिहाड़ी 40 रुपए तक कर दी जाएगी। सुनने में ये बेहद चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, कभी अरबों की संपत्ति का मालिक, गाड़ियों के काफिले के साथ चलने वाला, लग्जरी लाइफ जीने वाला अतीक अब महज 25 रुपए के लिए इस तरह का काम करेगा। ये सब कुछ उसके कुकर्मों की वजह से ही हो रहा है, उसके बुरे कामों की उसे सजा मिल रही है, जैसा कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था। जरा सुनिए क्या कुछ कहा था सीएम योगी ने। एक योग्य शिक्षक का दायित्व बनता है कि जो योग्य नहीं उसको योग्य बनाना। जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य, लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं ये आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा, आजीवन आपको सम्मान करेगा। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और अन्याय के साथ, न्याय के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा। बहरहाल अब अतीक के अच्छे दिन तो चले गए और निश्चित तौर पर वापस लौटकर भी नहीं आने वाले। अब आप उसके इन हालातों पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।